नमस्कार, वीकेबी न्यूज के हिंदी बुलेटिन में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं। वीकेबी न्यूज के सभी दर्शकों को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई का छापा, सिसोदिया ने कहा जांच में करूंगा पूरा सहयोग। नागपुर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर भव्य दही हांडी महोत्सव का किया गया आयोजन। दो साल बाद शहर के इतवारी में मनाया गया प्रसिद्ध दही हांडी उत्सव। और विधानसभा में अजीत पवार का शिंदे सरकार पर हमला, किसानों की आत्महत्या को लेकर उठाए सवाल। खबरें विस्तार से। आबकारी नीति मामले में सीबीआई ने दिल्ली एनसीआर में 21 जगहों पर छापेमारी की, जिसमें दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का घर और दिल्ली के तत्कालीन आबकारी आयुक्त अरावा गोपी कृष्ण का परिसर शामिल है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा सीबीआई आई है, उनका स्वागत है, हम कट्टर ईमानदार है, लाखों बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में जो अच्छा काम करता है उसे इसी तरह परेशान किया जाता है, इसलिए हमारा देश अभी तक नंबर एक नहीं बन पाया। उन्होंने अपने एक और ट्वीट में कहा कि ये लोग दिल्ली की शिक्षा और स्वास्थ्य के शानदार काम से परेशान हैं, इसलिए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और शिक्षा मंत्री को पकड़ा है ताकि शिक्षा स्वास्थ्य के अच्छे काम रोके जा सके। हम दोनों के ऊपर झूठे आरोप है, कोर्ट में सच सामने आ जाएगा। हम सीबीआई का स्वागत करते हैं, जांच में पूरा सहयोग देंगे ताकि सच जल्दी सामने आ सके। अभी तक मुझ पर कई केस किए लेकिन कुछ नहीं निकला, इसमें भी कुछ नहीं निकलेगा। देश में अच्छी शिक्षा के लिए मेरा काम रोका नहीं जा सकता। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर नागपुर में इतवारी स्थित टांगा स्टैंड पर दही हांडी महोत्सव का आयोजन किया गया। दो साल बाद नागपुर शहर के इतवारी में प्रसिद्ध दही हांडी उत्सव उत्साह के साथ मनाया गया। शीतला माता महिला मंडल द्वारा दही हांडी 20 फीट तक तोड़ी गई। शीतला माता महिला मंडल को 51,000 रुपए का प्रथम पुरस्कार मिला। साथ ही पुरुष दही हांडी में जय भोलेश्वर क्रीड़ा मंडल ने 30 फीट पर दही हांडी फोड़कर 2,22,000 का पुरस्कार जीता। आइए देखते हैं कुछ झलकियां। दही हांडी की ऊंचाई 5 फुट कम की गई है। राज्य में पूर्व एमवीए सरकार द्वारा सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति को रद्द कर दिया गया था। अब शिंदे सरकार सीबीआई को वो अनुमति फिर से देने की तैयारी कर चुकी है। राज्य सरकार महाराष्ट्र में आपराधिक मामलों की जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो को दी गई सामान्य सहमति को रद्द करने के पूर्ववर्ती महाराष्ट्र विकास आघाड़ी शासन के फैसले को वापस ले लेगी। गृह विभाग ऐसे एक प्रस्ताव पर काम कर रहा है जिसे जल्द ही कैबिनेट के सामने पेश किया जाएगा। एमवीए ने अक्टूबर 2020 में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 की धारा 6 के तहत सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति को वापस ले लिया था। ये कदम उन आरोपों के मद्देनजर आया था जिसमें केंद्रीय जांच एजेंसियों को केंद्र सरकार द्वारा विपक्ष के लिए हथियार बनाकर इस्तेमाल करने की बात कही गई थी। महाराष्ट्र राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता अजित पवार ने गुरुवार को सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि नई सरकार के सत्ता संभालने के बाद से पिछले 45 दिनों में 137 किसानों की आत्महत्या से मौत हुई है और राज्य में बाढ़ का सामना करने के बावजूद मंत्री बधाई देने में व्यस्त है। उन्होंने कहा कि राज्य में हर दिन औसतन 3 किसान आत्महत्या कर रहे हैं, ऐसा क्यों है कि किसानों को इस सरकार पर भरोसा नहीं है? सरकार को ऐसी नीतियां लागू करनी चाहिए जो किसानों को आत्महत्या करने से रोके। कल का दिन विधानसभा में आरोप प्रत्यारोपों का रहा। अजित पवार ने किसानों के लिए 75,000 रुपए प्रति हेक्टेयर और बागवानी के लिए 1,50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर मुआवजे की मांग की। नेता विपक्ष ने आगे कहा कि राज्य में पिछले 2 महीने में भारी बारिश देखी गई जो अभी तक थमी नहीं है। राज्य के अधिकांश बांधों में पानी भर गया है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो पानी के ओवरफ्लो होने का खतरा है, इससे नदी किनारे के गांव खतरे में पड़ जाएंगे, इसलिए रात में भी बांधों पर सिंचाई विभाग के एक अधिकारी को तैनात किया जाना चाहिए। ये बताते हुए कि एनडीआरएफ के तहत दी गई राशि बहुत कम है, पवार ने कहा कि इस मुद्दे पर पिछले साल तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे खुद और पूर्व मंत्री अशोक चव्हाण के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक में चर्चा की गई थी। उन्होंने कहा कि जब हमने अनुरोध किया कि मानदंडों को बदला जाए तो प्रधानमंत्री सकारात्मक थे,
मैं उम्मीद करता हूं कि मौजूदा सरकार को इस मुद्दे पर आगे की कार्रवाई करनी चाहिए। खबरों के सिलसिले में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। स्वागत है। यवतमाल के बाबुलगांव स्थित बिमला परियोजना बांध में 22 वर्षीय युवक के डूबने की सनसनीखेज घटना सामने आई है। मृतक युवक का नाम गौरव भीमराम महानूर है और वो अंतरगांव का रहने वाला है। हादसा उस वक्त हुआ जब गौरव अपनी बाइक से पुल पार कर रहा था। पुल के ऊपर के गड्ढों को बचाने के लिए गौरव अपनी बाइक से पुल के किनारे से जा रहा था तो बाइक समेत बांध में गिर गया और बाइक में पैर फंस जाने के कारण वो उठ नहीं सका। इसलिए बिमला बांध में युवक के डूबने के कारण हर जगह दुख व्यक्त किया जा रहा है। भारी बारिश से किसानों की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता गीले अकाल की घोषणा की मांग को लेकर आक्रामक हो गए हैं। मंगरूल चीनी मिल के सामने से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर 18 अगस्त गुरुवार को राज्य सरकार की नीति की आलोचना को लेकर चक्काजाम धरना प्रदर्शन किया गया। यवतमाल जिला एक किसान आत्महत्या प्रवण जिला है। भारी बारिश से किसानों की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। प्रशासन ने अभी तक बेलोरा मंडल में पंचनामा नहीं किया, ऐसा आरोप कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लगाया है। आंदोलन के दौरान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से सिर्फ घोषणाबाजी की जगह गीला अकाल घोषित कर किसानों को ठोस मदद देने की मांग की गई। चक्का जाम आंदोलन के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग 361 पर करीब 1.5 घंटे तक यातायात बाधित रही। बाद में पुलिस ने आकर यातायात सुचारू कराई। कित्येक दिवसापासून पाऊस हा चालूच आहे। यवतमाळ तालुक्यात सुद्धा पाऊस खूप प्रमाणात झालेला आहे, अतिवृष्टी झालेली आहे, पण या सरकारला अजून अद्यापर्यंत जाग आली नाही। यवतमाळ तालुक्यात सर्वे केला पण त्यांना डावलण्या यवतमाळ तालुक्याचा डावलण्याचा प्रयत्न हे सरकार करत आहे की काही दिसून राहिलेला आहे। आजपर्यंत शिंदे सरकार म्हणत होते की आम्ही डबल मदत देऊ, पण एकर शेतकऱ्याच्या खात्यात अजूनपर्यंत 1 रुपयासुद्धा आला नाही। निंदण्यासाठी पैसे नाही, शेतकऱ्यांजवळ खत देण्यासाठी पैसे नाही, खत दिलेलं पाण्याने वाहून गेलं, अद्यापपर्यंत हे सरकार कोणाच्या बांधावर आलं नाही, हे या ठिकाणी खंत या युवक काँग्रेसमार्फत आम्ही रास्ता रोको आंदोलन करत आहे आणि शेतकऱ्यांना यवतमाळ तालुका ओला दुष्काळ जाहीर करावा आणि 50,000 रुपये हेक्टरी मदत द्यावी, या ठिकाणी आम्ही मागणी आहे। देशभर में आज कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है। देश के हर राज्य में इसकी तैयारी पिछले कई दिनों से चल रही है। मंदिरों को भव्य तरीके से सजाया गया है, मंदिर रंग बिरंगी रोशनी से नहाए हैं। कोरोना के चलते पिछले 2 साल से कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव के रूप में नहीं मनाया जा सका था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार श्री कृष्ण जन्म स्थान मथुरा में गुरुवार शाम से ही भक्तों का आना जाना शुरू हो गया है। पूरे देश में जय श्री कृष्ण के जयकारे गूंज रहे हैं। ऐसा ही हाल देश भर के हर कृष्ण मंदिर का है।
आइए देखते हैं मथुरा के कृष्ण मंदिर की कुछ झलकियां। आगे पीछे की पॉकेट जेब का विशेष ध्यान रखें। अपने पास मोबाइल बैग पेंडिंग कुंडल इत्यादि सामान का विशेष ध्यान रखें। जेब को अटकाई की ओर से साफ कर रहे हैं। बुलेटिन में अब बस इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।